तो भाई आज हमें स्मैकडाउन के एपिसोड में जॉन सीना का जो पार्टनर है वो भी देखने को मिल गया। हमारी उम्मीदें थी कि रैंडी ऑर्टन वो हो सकते हैं, लेकिन रैंडी ऑर्टन भाई वो पार्टनर नहीं है फास्ट लेन के अंदर। जिमी ऊसो को स्मैकडाउन के एपिसोड में एक थप्पड़ भी पड़ा है। तो पूरे स्मैकडाउन के रिव्यू के बारे में आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं। तो स्वागत है आप सभी का रेसलिंग इंदर की एक और नई वीडियो के अंदर, और बिना टाइम वेस्ट के चलिए दोस्तों स्मैकडाउन के रिव्यू को शुरू करते हैं। दोस्तों शो की स्टार्टिंग हमें सोलो सिकोवा, जिमी ऊसो और पॉल हेमन के साथ देखने को मिलती है। यहाँ पर पॉल हेमन अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं, यहाँ पर क्राउड की तरफ से उनको बू सुनने को मिला। इसके बाद दोस्तों वो बोलते हैं कि आप सभी लोग रोमन रेंग्स को एक्नॉलेज कीजिए, और यहाँ पर रोमन रेंग्स को एक्नॉलेज करते हैं क्राउड। और यहाँ पर दोस्तों सोलो सिकोवा, जिमी ऊसो और पॉल हेमन अपना हैंड भी रेज करते हैं। इसके बाद दोस्तों सिंपली यहाँ पर पॉल हेमन बताते हैं कि रोमन रेंग्स यहाँ पर ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है, और यहाँ पर जॉन सीना को सेकंड ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम बताया जाता है। इसके बाद दोस्तों स्क्रीन के ऊपर वो वीडियो चलाई जाती है जहाँ पर पिछले हफ्ते एज सेल्स और जॉन सीना को पीटा गया था। इसके बाद दोस्तों जिमी ऊसो यहाँ पर रिंग में हंस रहे हैं, और यहाँ पर दोस्तों इसके बाद बताया जाता है कि एज सेल तो अब हॉस्पिटल के बेड पर हैं और एज सेल तो फास्ट लेन के अंदर नहीं आने वाले। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जिमी ऊसो अपना हाथ एक्सटेंड करते हैं, जैसे कि रोमन रेंग्स किया करते हैं अपने सेगमेंट्स के अंदर। यहाँ पर दोस्तों जिमी ऊसो अपने हैंड को एक्सटेंड करते हैं कि मुझे माइक्रोफोन चाहिए। इसके बाद यहाँ पर जिमी ऊसो हंसकर वो माइक्रोफोन ले लेते हैं। इसके बाद जिमी ऊसो बताते हैं कि क्या तुमको पता है कि जॉन सीना आज शो के ऊपर क्यों नहीं है, क्योंकि वो जिमी ऊसो से डरता है। और इसके बाद दोस्तों वो बात करते हैं कि जॉन सीना के बारे में वो केयर नहीं करते, एज सेल्स के बारे में वो केयर नहीं करते। लेकिन दोस्तों तभी पीछे से आकर कल एंडरसन यहाँ पर अटैक करते हैं, और वो सोलो सिकोवा और जिमी ऊसो को आउटसाइड द रिंग फेंक देते हैं। और इसके बाद दोस्तों वे बोलते हैं कि अब ये जो बिजनेस है ये पर्सनल हो चुका है। तो इसके बाद सिंपली हमें कमर्शियल के बाद मैच देखने को मिलता है कल एंडरसन वर्सेस जिमी ऊसो के बीच में। और इस मैच के अंदर दोस्तों जिमी ऊसो ने विक्ट्री हासिल कर ली अपना ऊसो स्प्लैश लगाकर। इसके बाद दोस्तों सोलो सिकोवा रिंग के अंदर आते हैं और वे समोन स्पाइक लगाते हैं कल एंडरसन के ऊपर। जिमी ऊसो भी यहाँ पर उनके ऊपर अटैक कर रहे थे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर मिशन आती है जो कि दोस्तों जिमी ऊसो को एक स्लैप लगाती है, और इसके बाद रिंग के अंदर वो कल एंडरसन को देखने के लिए जाती है। और ये दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग था और काफ़ी यूनिक सा WWE ने आइडिया डाला इस सेगमेंट के अंदर कि मिशन ने आकर यहाँ पर जिमी ऊसो को स्लैप लगाया। और जिमी ऊसो उस टाइम पर ऐसे रिएक्ट कर रहे थे कि जैसे उनकी तो खोपड़ी घूम गई है। दोस्तों इसके बाद हमें ग्रेसन वॉलर इफेक्ट वाला सेगमेंट देखने को मिलता है, जहां पर स्पेशल गेस्ट थे बॉबी लैशली। ग्रेसन वॉलर यहां पर जॉन सीना के बारे में भी बात करते हैं, और वे बोलते हैं कि जॉन सीना ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम हो सकता है, लेकिन वो टाइम पर बिल्कुल भी नहीं आता। इसके बाद दोस्तों ग्रेसन वॉलर यहाँ पर बॉबी लैशली का इंट्रोडक्शन करते हैं। बॉबी लैशली दोस्तों रिंग के अंदर आते हैं और उनके फेस पर स्माइल भी थी। यहाँ पर दोस्तों ग्रेसन वॉलर और बॉबी लैशली हैंडशेक करते हैं, इसके बाद वो बैठ जाते हैं। यहाँ पर दोस्तों बॉबी लैशली को ग्रेसन वॉलर ये बोलते हैं कि स्ट्रीट प्रॉफिट से अब तुम अलग हो चुके हो, और अगर अब तुम एक टैग टीम को ढूंढ रहे हो तो मेरी और ऑस्टिन थ्योरी की जो टैग टीम है वो अनडिफीटेड है, और अब ऑस्टिन थ्योरी काफ़ी ज़्यादा बदल चुका है। तो इसके बाद हमें स्ट्रीट प्रॉफिट्स रिंग के अंदर देखने को मिलते हैं, जो कि फेस टू फेस बॉबी लैशली के साथ खड़े हो जाते हैं। यहाँ पर बॉबी लैशली बताते हैं मुझे कुछ एक्सक्यूजेज नहीं चाहिए, मुझे कोई रीज़न नहीं चाहिए, मुझे एक्शन चाहिए, और आज तुम इसको प्रूफ करके दिखाओगे। और इसके बाद दोस्तों यहाँ से बॉबी लैशली चले जाते हैं। इसके बाद दोस्तों ऑस्टिन थ्योरी का म्यूजिक हिट होता है। यहाँ पर हमें कार्मेलो ग्रीम्स वर्सेज ऑस्टिन थ्योरी के बीच में मैच देखने को मिलता है। ग्रेसन वॉलर भी यहाँ पर थे। यहाँ पर दोस्तों सिंपली जो विक्ट्री है वो हमें ऑस्टिन थ्योरी के पक्ष में देखने को मिली, जहाँ पर अपना फिनिशर लगाकर वो इस मैच के अंदर काउंट कर देते हैं। इसके बाद दोस्तों क्या होता है मैच खत्म होने के बाद कि ड्रैगन ली यहाँ पर हमें अटेंडेंस पर देखने को मिल रहे थे, जहाँ पर दोस्तों जो ऑस्टिन थ्योरी और ग्रेसन बॉलर है वो काफ़ी ज़्यादा चुल करने की कोशिश कर रहे थे ड्रैगन ली के साथ। तो इसके बाद हमें मैच देखने को मिलता है जो कि था US चैंपियनशिप के लिए रे मिस्टेरियो वर्सेस सेंटो एस्कोबार के बीच में। मैच ही आपको काफ़ी ज़्यादा एंटरटेनिंग देखने को मिलेगा। इस मैच के अंदर काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग मूव्स आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर दोस्तों इस मैच की जो एंडिंग है वो हमें इस तरीके से देखने को मिलती है, जहाँ पर पहले तो रे मिस्टेरियो अपना फिनिशर लगाने के लिए जाते हैं, लेकिन सेंटो एस्कोबार वहाँ से हट जाते हैं। वहाँ पर काउंट दोनों ही सुपरस्टार एक दूसरे को करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन दोस्तों एंड में जो रे मिस्टेरियो है उन्होंने रोल अप के जरिए इस मैच के अंदर सेंटो एस्कोबार को हरा दिया और अपनी चैंपियनशिप को भी सक्सेसफुली रिटेन कर लिया। लेकिन मैच खत्म होने के बाद जब रे मिस्टेरियो अपनी चैंपियनशिप को लिफ्ट कर रहे थे, तो इसके बाद दोस्तों स्ट्रीट प्रॉफिट्स ने पीछे से आकर रे मिस्टेरियो और सेंटो एस्कोबार के ऊपर अटैक किया। बॉबी लैशली भी यहां पर आते हैं, और जो ड्रैगन ली है उनको भी काफी ज्यादा यहां पर
इस सेगमेंट के अंदर इन्वॉल्व करने की कोशिश करी है बॉबी लैशली और स्ट्रीट प्रॉफिट्स ने, लेकिन इस तरीके से दोस्तों अब स्ट्रीट प्रॉफिट्स और बॉबी लैशली सेम बात पर हमें देखने को मिल रही हैं। इसके बाद दोस्तों शो के ऊपर हमें शार्लेट फ्लेयर वर्सेस बेली के बीच में मैच देखने को मिलता है, और इस मैच के अंदर शार्लेट फ्लेयर ने स्पीयर मूव को परफॉर्म किया जैसा कि वो अपने काफ़ी सारे मैचेस के अंदर करती भी है, लेकिन आज जो बेली को स्पीयर लगाया वो थोड़ा सा ज़बरदस्त स्पीयर था और स्पीयर लगाकर उन्होंने इस मैच के अंदर बेली को हरा भी दिया। इसके बाद दोस्तों इस मैच के ख़त्म होने के बाद हमें एक छोटा सा सेगमेंट देखने को मिलता है जहाँ पर हमें आस्का भी देखने को मिली, और यहाँ पर जो बेली है वो ये बात बताती हैं कि आस्का और शार्लेट फ्लेयर को इयो स्काई के साथ फास्ट लेन के अंदर एक ट्रिपल थ्रेट मैच चाहिए तो वो उनको ज़रूर मिलेगा, और यहाँ पर फास्ट लेन के लिए एक और मैच कंफर्म हो चुका है जो कि एक ट्रिपल थ्रेट मैच होने वाला है। तो इसके बाद हमें बैक स्टेज से जॉन सीना देखने को मिलते हैं, और जॉन सीना के हाथ में कॉन्ट्रैक्ट होता है, और इसके बाद दोस्तों जॉन सीना का म्यूजिक हिट होता है और क्राउड की तरफ से काफ़ी अच्छा उनको रिएक्शन मिला। जॉन सीना का जो इंट्रोडक्शन है वो ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम के तौर पर किया जाता है, और जो कि जॉन सीना है भी हैं। इसके बाद दोस्तों सीना के चैंट्स हमें सुनने को मिले, और जॉन सीना यहाँ पर बताते हैं कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम अभी हमारे पास यही है कि मेरे पास फास्ट लेन के अंदर पार्टनर नहीं है, लेकिन आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं नेवर गिव अप लिख कर अपने दिल पर चलता हूँ, और आप सोच रहे हैं कि मैं फास्ट लेन के अंदर हैंडीकैप मैच रेसल नहीं कर सकता, मुझे ब्लडलाइन के साथ मैच चाहिए, और जो उन्होंने पिछले हफ्ते किया है मैं उसका बदला ज़रूर लूंगा। इसके बाद दोस्तों जिमी उसो और सोलो सिकोवा और पॉल हेमन भी यहाँ पर आते हैं, और सिंपली दोस्तों यहाँ पर जिमी उसो और सोलो सिकोवा ने जॉन सीना के ऊपर फिर से अटैक करने की कोशिश करी। जॉन सीना अपना फिनिशर लगाने के लिए जाते हैं ए, लेकिन जिमी उसो सुपर किक लगाते हैं। इसके बाद दोस्तों जॉन सीना आउटसाइड द रिंग गिर जाते हैं। दोस्तों जिमी उसो यहाँ पर अनाउंस टेबल को क्लियर करते हैं, उनको जॉन सीना को लेटाते हैं अनाउंस टेबल के ऊपर, और सोलो सिकोवा स्प्लैश लगाने के लिए जाते हैं, लेकिन दोस्तों तभी एलन नाइट का म्यूजिक हिट होता है। एलन नाइट दोस्तों आते हैं भागते हुए, क्राउड ने उनको भी काफ़ी अच्छा रिएक्शन दिया, उन्होंने जिमी उसो को क्लोज लाइन लगाई। इसके बाद दोस्तों सोलो सिकोवा के ऊपर भी उन्होंने अटैक किया, उन्होंने नेक ब्रेकर लगाया, और इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर जॉन सीना को सेव करने आए एलन नाइट, जॉन सीना और एलन नाइट इसके बाद दोस्तों रिंग के अंदर आमने सामने खड़े हो जाते हैं, और यहाँ पर दोस्तों एलन नाइट ने कॉन्ट्रैक्ट को ग्रैब किया जॉन सीना से, और इसके बाद उसके ऊपर साइन कर दिया, और इसके बाद दोस्तों जॉन सीना और एलन नाइट ने अपना हैंड रेश किया, और इस तरीके से दोस्तों जो स्मैकडाउन का एपिसोड है वो हमें ऑफ एयर देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों आज का जो स्मैकडाउन का ये रिव्यू था ये इतना ही से था, और आप स्मैकडाउन के शो को एंजॉय कर सकते हो। जॉन सीना के आने के बाद जो स्मैकडाउन के शोज हैं उनको देखने में और भी काफ़ी ज़्यादा मज़ा अब आने लगा है। तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, कमेंट्स के अंदर अपनी राय लिखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा डेली रेसलिंग की वीडियोस के लिए। मिलते हैं दोस्तों अपने अगली वीडियो के अंदर, टेक केयर एंड गुड बाय, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।